है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी भी हम हैदराबाद में हैं और सुबह की बजे हैं 5। जा रहे हैं हम आज एक्सप्लोर करने, देयर इज अ प्लेस, वेरी फेमस प्लेस, लोकल लोगों के बीच में है। जगह का नाम है राम की बंदी, और जो बंदा जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म के डोसे बनाता है सुबह सुबह। सो आई थिंक स्टॉल जो है सुबह 3 बजे लग जाता है। टाइम हुआ है अभी 5, हम जाके दिखाएंगे आपको क्या है उसका जो मैजिक सुबह सुबह वो दिखाता है। बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं क्या है करिश्मा भाई का। चलिए ओके गाइस, पहुंच गए हम। टाइम अभी हुआ है 5:20 और हम हैं एकदम सामने, मेट्रो स्टेशन है सामने और थोड़ा आगे ही यहीं पर आगे जाके आपका चार मीनार है। सामने है यहाँ पे हल्दीराम, और हल्दीराम के सामने एकदम है राम की बंदी। चलते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग, काफ़ी क्राउडेड होने वाला है इस समय। 5:30 भी नहीं हुए हैं अभी, 5:20 के तकरीबन टाइम है। लेट्स सी, लेट्स गो। और ये रहा बोर्ड आपके सामने, इधर राम की बंदी। ओके, ये देखिए साहब, ज़बरदस्त एकदम भीड़ लगी हुई है। आई कैन ईजली सी अबाउट 70-80 लोग खड़े हैं यहाँ पे, और छोटा सा स्टैंड है, दो रेडियो लगा के रखी हैं, उसके ऊपर 20-22 किस्म के डोसे बनते हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त एकदम। तो देखिए 5:30 हैं अभी, और भीड़ देखो, ये देखो, और वेटिंग चल रही है तकरीबन 45 मिनट की। इस समय लोग खा भी रहे हैं और साथ में वेट भी कर रहे हैं। तो अभी साहब से पूछते हैं हम क्या डिफरेंट तरह की हैं डोसे। 12 उन्होंने बोला तो सही, बट अलग अलग तरह के कौन से हैं। मैंने जो सुना चीज़ तो एक, कोई सांभर वाम्बर नहीं सर्व होता है साथ में, सिर्फ चटनी है, नारियल की बेसिक चटनी, और जो फ्लेवर है मेन डोसे के अंदर ही है, जो अलग अलग चीज़ें डाल के डिफरेंट डोसे बन रहे हैं। आई कैन सी चीज़ नाउ ऑन वन ऑफ द डोसा, चीज़ ये देखिए ज़बरदस्त। चलिए अपना डोसा ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या है इसका जायका। तो ज़रा बताइए, आप बताइए, अलग अलग तरह के डोसे 12 उन्होंने बोला हमें है 12, तो बताइए क्या क्या है। तो हमारा कौन कौन सा हो गया जी, अब करण जी? हाँ, अच्छा ज़बरदस्त। तो 4 हमने अलग अलग डोसे ट्राई करने हैं, ऑर्डर कर लिए यहाँ पे बनने वाला है। तो ऐसा आप लोगों को लग सकता है कि सुबह 5:30 हम लोग यहाँ आ गए हैं। सुबह सुबह भूख लगेगी, खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा, विच इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न। सुबह सुबह खाना मुश्किल है, बट जैसे डोसे बन रहे हैं यहाँ पे, मुँह में पानी आ रहा है। तो 4 हमने ऑर्डर करे हैं, लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा ख़त्म करने में। मसाला ओके, जिंजर गार्लिक चटनी है, ये उपमा है। तो अब ये डल गया वेजिटेबल, ऑनियन धनिया है, और थोड़ी गाजर है, फाइनली चॉप गाजर है साथ में। ये फाइनल हमारे यहाँ चारों के चारों, पालक पनीर सबसे पहले वाला है, पालक पनीर ओके। ये कौन से भाई? ये स्पेशल है, राम की बंदी का स्पेशल, बटर चीज़ कॉर्न, बटर मसाला, ज़बरदस्त एकदम। चलो जी,
करण के पास है राम की मंदी का स्पेशल डोसा और मेरे पास है पालक पनीर। तो हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सांभर क्यों नहीं मिलता। अब 12 किस्म के डोसे हैं यहाँ पर, हर डोसे के अंदर जो तरीका है बनाने का डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट अलग है, तो ज़रूरत ही नहीं है सांभर की। और उसके बाद एक बेसिक सी नारियल की जो चटनी है वो सर्व करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी है बट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया खा के। तो बेस्ट टाइम टू कम अगर आप हैदराबाद में हैं, सुबह 3 बजे से शुरू कर देते हैं, स्टार्ट है, बट आप 5-6 बजे आराम से आ जाओ। 5-6 बजे अगर आएंगे तो रौनक आपको देखने को मिलेगी, और 8-9 बजे करीब बंद कर देते हैं। सो सुबह 3 से 9 बजे तक स्टॉल लगता है। अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए तो आप 7-7:30 तक जाते हैं, और सैकड़ों डोसे बनाते हैं रोज़ के, बहुत लाजवाब टेस्ट है, वेरी नाइस। तो डोसे तो थे बड़े ज़बरदस्त, सुबह सुबह मैंने 2 डोसे खा लिए। साइज़ छोटा है, साइज़ बड़ा नहीं होता, पेट पूजा तो हो गई, अब बनता है चाय, चाय का एक कप पीते हैं, आगे मैंने सुना यहाँ पे चाय की दुकान है, चाय पीते हैं अब चलते। चलिए, डोसा था बहुत ज़बरदस्त, अब चाय पीने जैसे मैंने बोला, पास में था, वहाँ से 2 किलोमीटर था, सो आई थॉट इट वॉज वर्थ इट। ऑटो में हम आए, तो हमने है कैफे नीलोफर जो कि लकड़ी के पुल के ऊपर है, तो यहाँ की जो चाय है बहुत ही फेमस है, चाय ट्राई करते हैं यहाँ पर। चलिए ओके, एक चाय दीजिए, आधे दो मलाई बन, कितना उधर देना है, एक मलाई बन कितना मेरे भाई, 60 रुपीज। ये क्या है, अच्छा मलाई उधर से लेनी है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चाय किधर से लेनी है, ठीक है। तो ये मिला है बन 60 रुपीज़ का, मलाई बोलते हैं, टोकन देके वहाँ देना है तो मलाई देगा, चाय इधर से लेंगे, चाय दे दो मेरे भाई, चाय हाँ पीने के लिए। सुबह सुबह लोग पैक भी कराते हैं चाय, तो हम तो यहाँ पे फटाफट पीने वाले हैं, और साथ में बन लिया है तो मलाई डाल के देखते हैं। ओके हियर इज़ आवर चाय, अब इसमें बन में मस्का लगवाते हैं ज़रा, ये ठीक है भाई, थैंक यू, चाय जबरदस्त। और ये है जी बड़ा सा बन 60 रुपीज़ का जो दिया है, उसको तोड़ के, शुगर इसमें ऐड करोगे, करो, और इसको चम्मच से मिक्स करना है, तो ये मलाई जो थी फीकी थी, इसमें शुगर ऐड करिए, विल मिक्स इट अप। वो अगर बन मस्का खाओ तो फिर चाय के खाओ, ओके जी, चाय थी बड़ी ज़बरदस्त, अभी भी मैं सिप मार रहा हूँ, जो डोसा खाया था एकदम से डाइजेस्ट हो गया, थोड़ी स्वीट ज़्यादा है बट ठीक है, मैनेजेबल है। तो ये जो है काफ़ी नीलोफर कैफ़े काफ़ी लेजेंडरी है, फेमस फॉर इट्स ईरानी चाय, साथ में अगर दिन में आओ तो बिस्किट वगैरह होते हैं इनके पास, उस्मानिया बिस्किट करके बोलते हैं। सो लेजेंडरी प्लेस, फेमस फॉर टी, बन मस्का मलाई के साथ और बिस्किट वगैरह है। ओके, तो अभी टाइम हुआ है 7 बज गए हैं, 5 बजे हम सुबह निकले थे, सो सुबह सुबह की जो ड्राइव भी थी अच्छी थी, ट्रैफिक नहीं है, ऑफिस आवर्स, आई थिंक ऑफिस आवर मेरे भाई कितने बजे शुरू होता है, सुबह कितने बजे लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, 5 बजे जाता है, 6 बजे जाता है। अच्छा, बट ट्रैफिक कब शुरू होता है, 9 बजे से शुरू हो जाता है, हाँ, तो ट्रैफिक भी हैदराबाद का कम नहीं है, बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक है, दिन में अगर सुबह 9 बजे के बाद आप निकलें या शाम को 5-6 बजे के बाद, तो बहुत ट्रैफिक है, दिन में भी वैसे बहुत होता है। सो वी थॉट ये अच्छा टाइम था सुबह सुबह निकल के ट्राई करते हैं, तो वी वांटेड टू ट्राई राम की बंदी, जो सुबह ही होता है भाई वैसे भी।
तो काफ़ी मज़ा आया आज, तो अभी यहीं पर वीडियो हम आज का एंड करने वाले हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।